सात पीस डेस्टिन से 22 के क्वार्टर वाट में, सात पीस डेस्टिन से 10 के, चार पीस डेस्टिन से 680 ओम, एक पीस डेस्टिन से 100 के, एक पीस डेस्टिन से 4.7 के, एक पीस डेस्टिन से 1 के, दो पीस डेस्टिन से 1 ओम हाफ वाट में, दो पीस डेस्टिन से 2.2 के 1 वाट में, आठ पीस डायोड 1 इंच 4007, दो पीस जेनर डायोड 15 वोल्ट का 1 वाट में, दो पीस एलईडी 3 mm का, एक पीस डेस्टिन से 330 के क्वार्टर वाट में, एक पीस प्रीसेट 10 के से 20 के तक लगा सकते हैं, एक पीस आईसी TL072458D या फिर 5532 लगा सकते हैं, चार पीस कैपेसिटर 22U 25 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 10U 50 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 1U 50 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 100U 25 वोल्ट में, तीन पीस कैपेसिटर 0.47U, एक पीस कैपेसिटर 47NF, दो पीस कैपेसिटर 0.1U, दो पीस कैपेसिटर 0.22U, दो पीस 3-pin XHB सॉकेट 2.54mm का, दो पीस 2-pin XHB सॉकेट 2.54mm का, एक पीस आईसी TDA7294, दो पीस आईसी TDA2030, एक पीस 3-pin स्क्रू टर्न में वाले ट्रांसफार्मर इनपुट के लिए, एक पीस 2-pin स्क्रू टर्न में वाले सबवूफर आउटपुट के लिए, एक पीस ब्रिज रेक्टिफायर GBU808, एक पीस ड्यूअल पोटेंशियोमीटर 100K का, एक पीस सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर 100K का, दो पीस कैपेसिटर 2200U 25 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 4700U 50 वोल्ट में, TDA7294 के लिए आप यहाँ पर 18018 वोल्ट से 24024 वोल्ट 5 एम्पीयर तक ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं और 2030 के लिए आप 12012 वोल्ट 3 एम्पीयर तक ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस बोर्ड को टेस्ट करने के लिए इस 30W के सबवूफर को मैं इसके सबवूफर आउटपुट में कनेक्ट करने वाला हूँ और इन दो 5W के स्पीकर को मैं दो TDA2030 IC का आउटपुट में कनेक्ट करने वाला हूँ। बोर्ड के ऑडियो इनपुट के लिए मैं इस ब्लूटूथ प्री एम्पलीफायर को यूज करने वाला हूँ।